हे गाइस, आई एम किशन झा। यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल केझा टिप्स एंड ट्रिक्स। गाइस, आज मैं एक न्यू टॉपिक्स पे आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो यूट्यूबर के लिए है। जो भी यूट्यूबर है वो किसी अदर यूट्यूबर के चैनल पे जाते हैं अबाउट में, तो उनको मोर इन्फॉर्मेशन में काफ़ी चीज़ें दिखाई देती है। आज का वीडियो जो है मोर इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड करना है उस टॉपिक्स पे है। आप किसी भी यूट्यूबर के यूट्यूब चैनल पे जाते हैं अबाउट में, तो वहाँ देखते होंगे कि वो यूट्यूबर अपने मोर इन्फॉर्मेशन में उन्होंने क्या कर रखा है। तो फेसबुक डाल रखा है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अपने वेबसाइट लिंक, सारे चीज़ के लिंक डाल रखा है। उनको लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या वेबसाइट पे फॉलो करते हैं। तो आप भी अपने मोर इन्फॉर्मेशन में वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो वो आज मैं आप लोग को जानकारी दूंगा कि अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाके मोर इन्फॉर्मेशन कैसे आप फुलफिल कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल में मोर इन्फॉर्मेशन में कैसे अपने ऑल चीज़ को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको ओपन करना होगा अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को। यहाँ पे आपको यूट्यूब सर्च करना है, या फिर आपके ब्राउज़र में ऑलरेडी यूट्यूब का लोगो है तो उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर में आपको थ्री डॉट लाइन दिखेगा, इस थ्री डॉट लाइन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप मोड कर देना है। नीचे में आपको यहाँ पर डेस्कटॉप मोड दिखाई देगा, ठीक है। डेस्कटॉप साइड, आपको डेस्कटॉप साइड पर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में कर देना है, ठीक है। डेस्कटॉप मोड में करने के बाद आपको सबसे ऊपर में राइट कॉर्नर में आपके YouTube चैनल का लोगो दिख जाएगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे लोगो दिख रहा है, सबसे साइड में आप देख सकते हैं केझा टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको इस पर क्लिक करना है। मैं पिंक कलर का सर्कल भी कर दे रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करते ही यहाँ पे नीचे में आ जाएगा आपको योर चैनल, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ योर चैनल, तो आपको योर चैनल वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपका चैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा कस्टमाइज चैनल, ठीक है, और वीडियो मैनेज, आपको कस्टमाइज चैनल वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हो, क्लिक करने के बाद ये आपको जो है यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर देगा, ठीक है। यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो जाएगा, आपके फ़ोन में यूट्यूब स्टूडियो होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो भी ये यूट्यूब स्टूडियो को ब्राउज़र में ओपन कर देगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हम जूम करेंगे। जूम करने का सबसे ऊपर में यहाँ पर आपको तीन चीज़ देखने को मिल जाएगा। पहला है लेआउट, ठीक है, उसके बाद ब्रांडिंग, उसके बाद है बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तीसरा नंबर जो है सेक्शन, उस पर आपको क्लिक करना है। जहाँ मैंने पिंक कलर का सर्कल किया है, बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऐड लिंक, ठीक है, यहाँ पे आपको ऐड लिंक दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐड लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आप जो है अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अपने वेबसाइट को यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जो है इंटरनेट टाइटल में आपको डालना है, जो भी आप ऐड करना चाहते हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या वेबसाइट, यहाँ पर टाइटल डालेंगे, आगे में आप जो है यहाँ पे लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। मैं अपना फेसबुक यहाँ पर ऐड करूँगा, तो मैं यहाँ पर नोट करूँगा फेसबुक, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैंने फेसबुक नोट कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे फेसबुक का यहाँ पर लिंक डालना है, मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक डालना चाहता हूँ, तो मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। आप भी अपने फेसबुक पेज का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, वेबसाइट का यूआरएल, यानी यूआरएल लिंक कॉपी करना, ठीक है। तो मैं अपने फेसबुक का यूआरएल लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा, तो मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ। मैं अपने फेसबुक पेज पे आ चुका हूँ, ऑनलाइन अर्निंग मेरा फेसबुक पेज है, इसे मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं आपके हेल्प के लिए ये भी बता दूँ कि ये ऊपर में होता है यूआरएल, जहाँ मैंने पिंक कलर का सर्कल किया ना, ये यूआरएल, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। मैंने यूआरएल को कॉपी कर लिया है, अब हम जाके वहाँ पर लिंक पर पेस्ट कर देंगे। ओके, हम आ चुके हैं जो है यूट्यूब के स्टूडियो में, मैंने फेसबुक लिखा था, आगे में यहाँ पे लिंक हमको पेस्ट करना है, ठीक है। लिंक हमें यहाँ पे पेस्ट करना है, तो मैंने यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये वाला यूआरएल लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऐड लिंक, यानी कि आप और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐड लिंक क्लिक करना है, यहाँ पर मुझे ट्विटर देना है, ट्विटर का हम लिख देंगे, उसका फिर ट्विटर का भी लिंक हम डाल देंगे। ओके, तो हम ट्विटर का भी लिंक यहाँ पर डाल देते हैं, अपने ट्विटर प्रोफाइल का, या मैंने अपने ट्विटर का भी यूआरएल, प्रोफाइल यूआरएल मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, इसी में जाके हम पेस्ट करेंगे। इस तरीके से आप यूआरएल कॉपी करेंगे। ओके, आगे हम यूट्यूब स्टूडियो में, मैंने ट्विटर यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं ट्विटर लिखा हुआ है, सामने में यूआरएल लिंक हम पेस्ट कर देंगे। हमने पेस्ट कर दिया, फिर ऐड लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मुझे इंस्टाग्राम देना है, तो हम इंस्टाग्राम लिखेंगे, फिर इंस्टाग्राम के प्रोफाइल का जो है यूआरएल कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। सेम प्रोसेस है। ओके, मैं अपना इंस्टाग्राम का भी यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने अपने प्रोफाइल का यूआरएल लिंक मैंने कॉपी कर लिया है, अब हम यूट्यूब स्टूडियो में चलते हैं।
हम आ चुके हैं यूट्यूब स्टूडियो में, यहाँ पे हम जो है यूआरएल लिंक को पेस्ट कर दिए, तीन हम कर लिए, फिर ऐड लिंक नीचे में है, हम ऐड लिंक करेंगे और अपने वेबसाइट को भी ऐड करेंगे। ठीक है, हमने ऐड लिंक कर दिया, यहाँ पे लिखेंगे वेबसाइट और वेबसाइट का भी यूआरएल हम जो है यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, लिख दिया और सामने में आपको यूआरएल देना रहता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, तो हम वेबसाइट का भी अपना यूआरएल डाल देते हैं। मेरा वेबसाइट का जो नाम है वो से हम क्रोम पे ओपन करेंगे। ठीक है, मेरा वेबसाइट का जो नाम है वो है केजे टचफील। ठीक है, यहाँ पे केजे टचफील जो है ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं ये मेरा ब्लॉग वेबसाइट है, जिसका भी यूआरएल हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे यूट्यूब स्टूडियो में। ये मैं फाइनली आपको दिखा रहा हूँ कैसे कैसे मैंने लिंक कॉपी किया अभी तक। ठीक है, मैंने कर दिया, उसके बाद जो है ऊपर में आपको यहाँ पे पब्लिश देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे कॉर्नर में पब्लिश देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अपना आप जीमेल भी दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन में जीमेल भी दे सकता है, तो हम अपना जीमेल भी दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जीमेल भी रहना जरूरी होता है, क्योंकि आपको कोई कॉन्टैक्ट कर सकता है, आप यूट्यूबर है, तो जीमेल आईडी भी अपना यहाँ पे दे देते हैं हम। ओके, सॉरी, यहाँ पे अपना जीमेल दे देते हैं। हमने अपना जीमेल आईडी भी डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है ना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो हमने फिल कर दिया। आप समझ गए कैसे आपको जो है ऐड करनी है मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप पब्लिश दी हुई है। ठीक है, इस पब्लिश वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। ऊपर मैं पिंक कलर का सर्कल करके दिखा देता हूँ, यहाँ पब्लिश है। ठीक है, आपको इस पब्लिश वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको पब्लिक को दिखाना है, पब्लिश वाले सेक्शन पे क्लिक करके इसे सेव कर देना है। ठीक है, हमने सेव कर दिया, अब हम अपने यूट्यूब पे चलते हैं मोर इन्फॉर्मेशन पे। ओके, आ चुके हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे। हमने एक बार रिफ्रेश किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और वेबसाइट मेरा ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, लिंक हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से आप जो यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन के ऊपर में आपका जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, आप अपना डिस्क्रिप्शन भी वहीं से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं, हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे जाएंगे यूट्यूब स्टूडियो पे और यहाँ पे ऊपर में आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और भी आपको इन्फॉर्मेशन नीचे है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आज का बस वीडियो मैंने यही बताना चाह रहा था कि आपको किस तरीके से आपको मोर इन्फॉर्मेशन में अपने लिंक अटैच करने हैं। ठीक है, अपने सोशल मीडिया इस तरीके से आप जो है मोर इन्फॉर्मेशन में लिंक को अटैच कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी जान सके कि किस तरीके से यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन में अपना सोशल मीडिया का लिंक लगा सकते हैं, तो अपने सोशल मीडिया को ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।